बात बात ऐसा है कि बिहान से खेसारी भाई की एक ठो मूवी लग रही है आपकी नजीक वाले सिनेमा घर में और दूर वाले सिनेमा घर में, जिस मूवी का नाम है राजा की आएगी बारात। भैया मूवी जो है रिलीज हो रही है, लेकिन कौन कौन से सिनेमा घर में रिलीज हो रही है अभी तक पता नहीं चल पाया है। यही पता चल रहा है कि कल से रिलीज हो रहा है, यानी 16 दिसंबर से। अब बात ऐसा है कि जितनी बार भी मूवी आई है खेसारी भाई की, तो जैसे मूवी बिहार रिलीज करेंगे तो उसके 2 घंटे बाद हमें जो है लिस्ट भेजा जाएगा कि भैया ये सिनेमा घर में ये मूवी रिलीज होगा। बहुत बड़ा विडम्बना है, जितनी मूवी आई है इसी वजह से ज्यादातर मूवी जो है फॉलोअप हो जाती है भोजपुरी में। कौन कौन से सिनेमा घर में ये मूवी लगा है अभी तक पता नहीं चल पाया है। वैसे ये मूवी जो है पिछले साल ही जो इसका ट्रेलर वेलर आ गया था, 1 साल से इसको झुलाया गया, अब जाके इस मूवी को रिलीज किया जा रहा है। मूवी की स्टोरी की बात किया जाए तो बहुत दमदार स्टोरी है, एकदम लव स्टोरी बेस किया गया है, माने एकदम इमोशनल ड्रामा कॉमेडी से भरपूर मूवी है। देखने के बाद बहुत मजा आने वाला है। तो भैया कल से रिलीज कर रहे हैं, अब ठंडी जाड़ा बहुत ज्यादा है, सुबह में तो देखते हैं कौन कौन जाता है कौन कौन नहीं जाता है। हम तो भैया सुबह ही पहुंच जाएंगे मूवी देखने के लिए। खेसारी भाई मूवी लग रही है, हाल फिलहाल में डोली सजा कर रखना ब्लॉकबस्टर हिट हो गया, यूट्यूब पे भी आ गया, वहां पे भी ब्लॉकबस्टर हिट हो गया। अब भैया आ रही है राजा की आएगी बारात, और उसमें हीरोइन है, क्या नाम है, सुदीक्षा ऐसा कुछ है हीरोइन नाम। उसके डायरेक्टर है सुरेंद्र, नहीं सुरेंद्र तो प्रोड्यूसर है, उसके डायरेक्टर है लाल बाबू पंडित। और लाल बाबू पंडित जितना मूवी बनाए खेसारी भाई के साथ में सब सुपर हिट है, ये भी सुपर हिट जाएगा, ब्लॉकबस्टर हिट जाएगा, लिख के ले लो, कैसी स्टोरी बहुत जबरदस्त है। तो भैया कल क्या करना है, जितना लड़का पार्टी है तैयार रहिए मूवी देखने के लिए। भैया बहुत जबरदस्त मूवी है, जहां तक सुना हूं ट्रेलर देखा हूं, ट्रेलर का रिएक्शन देखा हूं, कमेंट देखा हूं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। तो कल क्या करना है, टूट पड़ना है मूवी देखने के लिए, टू रिकॉर्ड बनाना है और एक दिन में अच्छा खासा कलेक्शन करे, हम यही चाहते हैं। बाकी जो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर भाई साहब है, क्या करना है कि जब मूवी आए तो उसके 4-5 दिन पहले ही बता दिया जाए कि यही सिनेमा घर में मूवी लगेगा। पता नहीं चल पाता है, कंफ्यूज रहते हैं जाए कि ना जाए, पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कहने तो बोलते हैं कि नजदीक वाले सिनेमा घर में लगेगा, लेकिन जब जाओ तो ससुर दूसरी मूवी चलती है, बताशा चाचा की मूवी लगी होती है वहां पे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये क्लियर कर दिया कर दिया करो। हाँ कहने चाहते हैं पहले ही जो है क्लियर कर दिया करो। तो बाकी आज की भी जो मैं का बोल देता है, खुद समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब का बोलना है, तो बात के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्ते टाटा बाबा। चलते हैं, कुछ जो है बोल नहीं पा रहे हैं, नमस्कार।